बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं कुछ मज़ीद क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो रहेंगे। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो इंटरव्यू क्वेश्चंस का ये पार्ट टू है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो फर्स्ट वन है, इस ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है कि इफ़ वी हैव वन एंड ओनली वन एस्टिमेटर, देन हाउ टू चेक इट्स एफिशिएंसी। देखिए, जब एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि अगर एक एस्टिमेटर का वेरिएंस जो है वो दूसरे एस्टिमेटर से लेस है तो हम कहते हैं कि ये इफिशेंट एस्टिमेटर है। लेकिन कोई इंटरव्यू में क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक एस्टिमेटर है, देन आपने जो है तो इफिशेंसी कैसे उसकी चेक करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। बाय इम्पोर्टेंट मेरा मतलब क्या होता है कि मोस्टली वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या है कि इफ़ वी हैव वन एंड ओनली वन एस्टिमेटर, देन टू चेक इट्स एफिशिएंसी वी यूज द क्रेमर रोल ओवर बाउंड, या इसके अलावा मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबाइस्ड एस्टिमेटर के थ्रू भी हम इसको जो है तो इसकी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रेमर रोल ओवर बाउंड क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ टी शुड लेस आर इक्वल्स टू वो जो क्रेमर रोल ओवर बाउंड की जो एक एक्सप्रेशन है वो। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है हम फॉर अ सिंगल एस्टिमेटर वी कैन चेक द एफिशिएंसी। सो द सेकंड क्वेश्चन इज स्क्यूनेस इज ऑब्जर्व इट विच एक्सिस। तो हमें पता है स्क्यूनेस जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो हम क्या ऑन एक्स एक्सिस पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, हमारे चाहे वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो या नेगेटिवली स्क्यूड को देखा जाए तो वो क्या एक्स एक्सिस पे उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। सो वी ऑब्जर्व स्क्यूनेस ऑन एक्स एक्सिस। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द कर्टोसिस इज ऑब्जर्व इट विच एक्सिस। सो कर्टोसिस जो है वो हम चूंकि कर्टोसिस में हमारा इंटरेस्ट होता है वो हाइट पे होता है, सो इन जो वाई एक्सिस है उस पे हम कर्टोसिस को ऑब्जर्व करते हैं। स्क्यूनेस क्या था, स्क्यूनेस एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्व किया जाता है, कर्टोसिस ऑब्जर्व किया जाता है वाई एक्सिस पे। एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप वन एरर एंड अल्फा इज। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, टाइप वन टाइप टू एरर इनमें से मस्ट जो है तो इनमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप वन एरर और अल्फा में डिफरेंस क्या है। अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वेयर टाइप वन एरर जो है वो क्या होता है, टाइप वन एरर हम कहते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। सो अब सही चीज को जब गलत कहते हो दैट इज कॉल्ड द टाइप वन एरर, जबकि अल्फा को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमिटिंग द टाइप वन एरर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमिटिंग द टाइप वन एरर इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप वन एरर एंड अल्फा। ठीक है, और जो फाइव नंबर पे क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन आपको पिलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो देर आर फोर पिलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो कौन कौन से हैं। कलेक्शन है नंबर वन, कलेक्शन नंबर टू प्रेजेंटेशन, नंबर थ्री एनालिसिस एंड द फोर्थ वन इज इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन दीज फोर्स। क्या कि आप कलेक्शन करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, उनको प्रेजेंट करते हो जो डेटा आपने कलेक्ट किया होता है, एंड देन एनालाइज करते हो, एंड एट द एंड आपने उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो दीज आर द फोर मेन पिलर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज थ्री पैरामीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये माइंड में रखे, आपके पास एक ही ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके थ्री पैरामीटर्स है, वो कौन सी, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसमें स्मॉल एन कैपिटल एन एंड के, दीज थ्री आर द पैरामीटर ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट ये सिक्स क्वेश्चन जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं, दैट्स वाई आई शेयर दीज क्वेश्चन विद यू।
सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।